यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, हमने कंकेव के यूजेस कर लिए थे. व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर? डाइवर्जिंग मिरर. अदर नेम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर. हमने देखा कि इट ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो अब इसके यूजेस क्या हैं? हाँ, एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड. It is used as a rear view mirror in vehicles to see the traffic behind because of two reasons. क्यों इसको यूज करते हैं? एक तो ये कि it covers wider area of view because it forms small small images. तो इससे काफी व्यू एरिया कवर हो जाता है. ठीक है, रीजंस इसके दो रीजंस हैं. वाइडर एरिया ऑफ व्यू, वाइडर एरिया व्यू साथ में लिख लीजिए, बिकॉज इट फॉर्म्स डिमिनिश्ड इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसलिए काफी सारा एरिया कवर हो जाता है. ठीक है, वाइडर एरिया व्यू बिकॉज इट फॉर्म्स डिमिनिश्ड इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. Second thing is recognition becomes easy. अब अगर व्हीकल ड्राइव कर रहे हो, आपका सारा ध्यान यही अंडरस्टैंड करने में लग जाए कि पीछे से आ क्या रहा है. अगर उसकी इन्वर्टेड इमेज बन रही हो तो आप ऐसे करके आपकी तो अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी. तो वो इरेक्ट इमेज बनती है ताकि आपको इजिली पहचाना जाए पीछे से क्या हो रहा है, ट्रक आ रहा है, क्या आ रहा है. तो रेकग्निशन बिकम्स इजी बिकॉज इट फॉर्म्स इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. रेकग्निशन इजली इसलिए इजी होती है क्योंकि ये सीधी इमेज बनाता है. अगर इन्वर्टेड बनती तो बहुत प्रॉब्लम होती. तो लिख लीजिए ये दोनों रीजंस. व्हाई इट इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड बिकॉज इट कवर्स वाइडर एरिया व्यू एज इट फॉर्म्स डिमिनिश्ड इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. सेकेंडली recognition becomes easy because it forms erect image of the object. Ambulance तो lateral inversion plane mirror की है, वो इसकी नहीं है. हम तो convex mirror की बात कर रहे हैं. हाँ जी, हाँ, इसके दो ही रेड आई है क्योंकि एक तो infinity है, दूसरा object कहीं पे भी रखो एक ही type की image बने. अब सेकेंड है इसका विजिलेंस मिरर और सिक्योरिटी मिरर. विजिलेंस मिरर और सिक्योरिटी मिरर, ये आप ऐसे ही मत समझो कि आपको क्वेश्चन आ जाएगा यूजेस ऑफ मिरर. न्यूमेरिकल लास्ट ईयर ही बोर्ड में जो आया था उसमें उन्होंने टर्म यूज की थी अ सिक्योरिटी मिरर न्यूमेरिकल में. अब सिक्योरिटी मिरर आपको पता होगा अगर एप्लीकेशन पता होगी तो. अदरवाइज वो यूज करते थे कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, बट लास्ट टाइम इट वॉज यूज सिक्योरिटी मिरर, विजिलेंस मिरर. हाँ, विजिलेंस मतलब यही आपका मतलब टू कीप एन आई ओवर द होल बुक स्टोर फॉर एग्जाम्पल. जैसे रोड साइड पे लगा होता है कॉन्वेक्स मिरर, या स्टोर में, मॉल्स में लगा होता है ताकि इसमें काफी एरिया कवर हो जाए. छोटी छोटी इमेज पूरी शॉप दिखती है उसमें, जहाँ पे डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं वहां पे पूरी नजर रख सकते हैं हम. सो इट इज यूज्ड फॉर विजिलेंस इन बुक स्टोर्स, मॉल, रोड साइड एटसेट्रा. ठीक है, रीजन क्या है? क्लियर है ना? क्योंकि छोटे छोटे इमेज है तो सारा व्यू उसमें दिखेगा, पूरी शॉप दिखेगी. ठीक है, उस मॉल का वो एक पोर्शन पूरा नजर आएगा, पूरी रोड नजर आएगी रोड साइड पे. ठीक है, थर्ड है विजिलेंस मिरर के बाद Use for street lighting. Street lights में use होते हैं to scatter the rays of light, to diverge the rays of light. Street lights में convex mirror use होता है to scatter the light, to spread the light. Because of diverging nature, it is able to spread the light. Because of diverging nature, it is able to spread the light. तो ये main uses है convex mirror के. अब मिरर्स के रिलेटेड एक्सप्रेशन फॉर्मूले हम करते हैं. ठीक है,
सबसे पहले ये रिलेशन बिटवीन फोकल एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर कर लिया आपने, एफ इज इक्वल टू आर बाय टू। फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, हमने देखा फोकस बिल्कुल सेंटर में आता है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल मिड पॉइंट है ये, सो दैट मीन फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये फॉर्मूला लर्न करिए, साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है? कनकेव की, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव आएगा, और आप आइडेंटिफाई कर सकते हो फोकल लेंथ के साइन से या रेडियस ऑफ कर्वेचर के साइन से कि वो मिरर है कौन सा। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होंगे आपके, लिखो एक न्यूमेरिकल, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर इज, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर इज 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ, -20। अब माइनस नहीं लगाया तो गलत हो गया, हाफ नंबर एक नंबर कट गया, है ना। तो आप लिखोगे आर इज -40 सेंटीमीटर, तो एफ इज आर बाय टू, फॉर्मूला भी लिखना है, फिर पुट करना है, फिर कैंसिल करके लिखोगे आंसर -20 सेंटीमीटर। ठीक है, सो इट इज -20 सेंटीमीटर, दैट इज आंसर फोकल लेंथ। नेक्स्ट इज मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला वेरी फ्रीक्वेंटली वी विल बी यूजिंग इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। 1/f is 1/u + 1/v। आपको पता ही है u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां से? पोल से। पोल से। आपको बताया स्फेरिकल मिरर्स में सारे डिस्टेंस पोल से मेजर होते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, इमेज डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। So 1/f is 1/u + 1/v, याद रखना है, ये हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। पहले हम थ्योरी कंप्लीट करें। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। हाँ, पहले होती क्या है मैग्निफिकेशन? इट इज अ क्वांटिटी दैट इंडिकेट्स द साइज ऑफ इमेज, कि मतलब कि इमेज का साइज कितना इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज कितना है, कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है। सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज, या हाइट ऑफ इमेज भी लिख सकते हो, टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। डेफिनेशन लिखो मैग्निफिकेशन की, इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज, साइज की जगह हाइट भी लिख सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। माइनस, बता रही हूँ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है H2/H1। H2 क्या है? याद रखना हमेशा हाइट ऑफ इमेज, और H1 इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हमेशा यही सिंबल यूज करेंगे हम। अगर आपने H1/H2 कर दिया तो गलत हो जाएगा, अगर आपने H1/H2 लिख दिया ना तो रॉन्ग हो जाएगा बिल्कुल। H1 आप यही यूज करो, बेटर रहेगा। हाँ जी, अब देखो मैग्निफिकेशन से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है। पहले हम देखते हैं वैल्यू से क्या पता चलता है। इफ मैग्निफिकेशन वैल्यू, मॉडुलस मतलब मैं साइन नहीं ले रही यहाँ पे, If magnification is equal to 1, that means
ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑफ सेम साइज, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑफ सेम साइज, इसका मतलब होगा मॉडुलस। मॉडुलस मतलब बिना साइन लिए हम उसकी वैल्यू देख रहे हैं। जैसे माइनस 0.5 है, माइनस नहीं ले रहे, सिर्फ 0.5 देख रहे। इफ लेस देन वन, डिमिनिश्ड इमेज। ये मैग्निफिकेशन से हमें क्या पता चलता है, वो है क्या इंफॉर्मेशन मिलती है इसकी वैल्यू से। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन वन हो तो मैग्निफाइड, मैग्निफाइड मोर, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको पता लग जाएंगी। अब इसके साइन से क्या पता चलता है, पहले आपको इमेज का साइज समझ में आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, दोज हाइट्स आर टेकन टू बी पॉजिटिव दैट आर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे कि ऑब्जेक्ट हम हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, तो इसका मतलब उसकी हाइट हमेशा पॉजिटिव होगी। एच वन इज ऑलवेज पॉजिटिव। नहीं अभी नहीं जाना, ठीक है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो वो हाइट पॉजिटिव लेंगे। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर हमारी इमेज वर्चुअल है तो इरेक्ट बनती है, अबव बनती है। तो अगर हमारी इमेज वर्चुअल है तो उसका साइज पॉजिटिव होगा। बट अगर हमारी इमेज इन्वर्टेड बनती है, रियल बनती है, तो वो बिलो प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब उसका एच टू हम नेगेटिव लेंगे। ये साइन कन्वेंशन नोट कर लो। ऑब्जेक्ट का साइज तो हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे, बट इमेज डिपेंड करता है रियल है कि वर्चुअल है। अगर रियल है दैट मींस वो वर्चुअल है, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड है तो बिलो प्रिंसिपल एक्सिस उसकी हाइट हमें नेगेटिव लेनी पड़ेगी। हाँ, ऑब्जेक्ट का एच वन हमेशा पॉजिटिव, वो नोट कर लो। H1 will always be positive. हाँ, U तो negative, हमेशा negative होता है। U is always negative, H1 is always positive. V depend करता है। अगर आपकी इमेज इधर बनी है पोल के तो V negative. अगर behind the mirror बनी है तो V right side पे है, आपकी positive. ठीक है, चलिए। तो अगर रियल इमेज बन रही है उसका मैग्निफिकेशन का साइन क्या होगा, माइनस, क्योंकि एच टू नेगेटिव है, एच वन पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर वर्चुअल है, एच टू भी पॉजिटिव है, एच वन भी पॉजिटिव है, तो फॉर वर्चुअल इमेज मैग्निफिकेशन वुड बी पॉजिटिव। ये ध्यान से नोट कर लो। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मतलब है इमेज वर्चुअल है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव का मतलब इमेज रियल है। हाँ, वो भी बता रही हूं। पहले ये वाला फॉर्मूला डिस्कस किया हमने। हाँ जी, एच वन ओवर एच टू नहीं लिखना, एच टू ओवर एच वन। H2 साइज ऑफ इमेज, इमेज की साइज, इमेज की हाइट। हाँ जी, ये देखो रियल इन्वर्टेड बनती है, इसकी हाइट नेगेटिव होगी। अब H1 नेगेटिव पॉजिटिव है, H2 नेगेटिव, तो मैग्निफिकेशन भी नेगेटिव है रियल के लिए। वर्चुअल के लिए H2 भी पॉजिटिव है, H1 पहले से पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव होंगे, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। ओके, नाउ वन मोर फॉर्मूला फॉर मिरर्स, नोट डाउन वन मोर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर द मिरर्स। माइनस वी बाई यू, आप प्लस वी बाई यू नहीं लिख सकते, मिरर्स के लिए नेगेटिव होगा, लेंस के लिए, लेंस के लिए प्लस है, वो बाद में पुट करेंगे, जो भी आएगा पहले नहीं पुट करेंगे, ठीक है, वो बाद में पुट करेंगे।
आप लक्ष्य पकड़, सीधे बैठो, सीधे बैठ जाओ भाई। गॉट इट नाउ? इज दैट क्लियर? ओके, इसके न्यूमेरिकल्स हम बाद में करेंगे, पहले हम थ्योरी पोर्शन कवर कर लेंगे, ठीक है? सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद रिफ्रैक्शन, बट बिफोर दैट दो तीन क्वेश्चन आप मुझे बताओ। ऑब्जेक्ट की कौन सी पोजीशन के लिए कनकेव मिरर की मैग्निफिकेशन -1 होगी, बताओ? कनकेव मिरर की कौन सी ऑब्जेक्ट पोजीशन के लिए एम -1 होगा, बताओ, सोच के बताओ। एक मिनट, आप उठ जाओ, हाँ उठ जाओ, गेट अप। लास्ट बेंच पे चले जाओ, कोई बैठा है वहां पे? इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, स्टैंड हियर। कौन सा केस होगा बताओ, कौन सा? यस, ऑब्जेक्ट एट सी वाला केस है ये। माइनस का मतलब इमेज रियल बननी चाहिए, इन्वर्टेड। वन का मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज सेम है, वो कौन से केस में है? कनकेव मिरर के 6 केसेस में से ये थर्ड केस था। ये तो पता ही है ना हमें, जब सी पे थी, सी पे ही इमेज बनी थी सेम साइज की और इन्वर्टेड बनी थी रियल। ये तो हमें केसेस से पता लग ही गया ना, इतना तो हमने देखा है केसेस, है नहीं होता है? जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो बहुत इजी लगेगा। एक और क्वेश्चन, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर कितनी है? फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, इनफाइनाइट नोट कर लो, एंड हेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर आल्सो, क्योंकि वो तो प्लेन है ना, तो फोकल लेंथ उसका पोल से फोकस का डिस्टेंस कोई है ही नहीं, आप डिफाइन ही नहीं कर सकते हो, दैट इज नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी। सी में हमें पता है ना, हमने कल लिखा था करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, वहां से सेम साइज हमें पता लगा था ना कल, तो फिर वो हमें याद ही रहेगा। हाँ, वन का मतलब क्या है, अभी मैंने आपको बताया मीनिंग मैग्निफिकेशन का, वन का मतलब सेम साइज का हो, माइनस का मतलब रियल होनी चाहिए, तो 5 में से कौन सा केस था जिसमें सेम साइज की रियल इमेज है? वो सी वाली थी, तो इट्स नॉट डिफिकल्ट। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही, छोटा सा खुद सोचने के लिए, हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम, लिखो एक क्वेश्चन। अ प्लेन मिरर, नहीं न्यूमेरिकल नहीं है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे, एक रिफ्लेक्शन का डायग्राम बनाया मैंने। अब क्वेश्चन लिखिए, इफ दिस प्लेन मिरर इज टर्न्ड थ्रू एन एंगल थीटा, अगर प्लेन मिरर को मैं रोटेट कर दूं, टर्न कर दूं थ्रू एंगल थीटा, इंसिडेंट रे सेम, तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल के थ्रू टर्न करेगी? व्हाट इज द एंगल थ्रू विच, फाइंड आउट कितना? नहीं, ये सॉल्व करके देखो, ज्योमेट्री अप्लाई करो, फिर आपको पता चलेगा। क्वेश्चन लिखो, इफ प्लेन मिरर इज टर्न्ड थ्रू एन एंगल थीटा, व्हाट इज द एंगल थ्रू विच द रिफ्लेक्टेड रे विल टर्न, व्हाट इज द एंगल थ्रू विच रिफ्लेक्टेड रे विल टर्न, इंसिडेंट रे सेम है, इंसिडेंट रे वही लेनी है। ऑप्शन क्या, मैं आंसर बता देती हूँ, आप ट्राई करना। 2 थीटा, आंसर है 2 थीटा। अब ये आप डायरेक्ट डायग्राम बना के देखना कैसे आएगा, ठीक है? नहीं तो मैं तो ट्राई दूंगी, बट यू ट्राई फर्स्ट।
अभी नहीं, पहले आप ट्राई करो, सॉल्व करके देखोगे, ज्योमेट्री अप्लाई करोगे, हो जाएगा। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज होगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। हाँ जी, उससे ही हो जाएगा। न्यूमेरिकल एक करा देती हूँ, चलो। चैप्टर थोड़ी है, चैप्टर तो यही है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कराने लगी। चलो एक बार न्यूमेरिकल लिख लो, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। लिखो एक न्यूमेरिकल, एन नहीं इसी का ही है, लिखो एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर, मतलब कि एच वन है और पॉजिटिव है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर is placed at a distance of 27 centimeter from a concave mirror of focal length 18 centimeter, from a concave mirror of focal length 18 centimeter. मैं बोल लूं पहले, 18 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कंकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर कैलकुलेट द पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, कैलकुलेट पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। पोजीशन मतलब वी, नेचर मतलब वी, और साइज ऑफ इमेज मतलब H2। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। सबसे पहले नोट करो, U हमेशा नेगेटिव होगा, H1 हमेशा पॉजिटिव होगा, और फोकल एंड कंकेव मिरर की नेगेटिव होती है। अब निकालना क्या है, इमेज डिस्टेंस मतलब पोजीशन ऑफ इमेज V, नेचर ऑफ इमेज के लिए M। अगर M नेगेटिव है रियल इमेज, पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज, वहां से पता चल जाएगा। थर्ड थिंग इज साइज ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज H2। तीन चीजें निकालनी है और तीन दी हुई, मैं बता रही हूँ। सबसे पहले यूज करिए मिरर फॉर्मूला, अब पुट करो वैल्यूज, -1/18 -1/27 माइनस प्लस हो गया। चलो एलसीएम लेके सॉल्व करो, वी बताओ कितना है। Yes. -54 सेंटीमीटर आ जाएगा वी। अब इसको चेक करते हैं साथ साथ, रे डायग्राम का यही फायदा है कि आपका आंसर चेक हो जाएगा, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा आपका, ठीक है। अब ये देखो फोकल लेंथ कितनी है 18, इसका मतलब सी कितने पे है 36 पे, यू कहाँ पे रखा है 27 पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी है 27, इसका मतलब कौन से वाला केस है, बिटवीन एफ एंड सी वाला। तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी, 36 से ज्यादा आना चाहिए वी आपका, ठीक है, 54 आ रहा है और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। आपको रे डायग्राम बनाना होता है ना इसके साथ, कई बार वो पूछ लेते हैं तो अरे डायग्राम पूछ सकते हैं, उसका मीनिंग बता दो, समझ आना चाहिए, जैसे मर्जी देख लो। असर्शन, रीजन, केस स्टडी, क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। समय लगा आपका, एक आंसर ठीक है पता लग गया, और ये भी पता लग गया रियल एंड इन्वर्टेड है, मैग्निफिकेशन माइनस आनी चाहिए। चलिए अब निकालते हैं मैग्निफिकेशन, माइनस वी ओवर यू, माइनस 54 आया वी और यू है आपका 27, माइनस 2 आ गई मैग्निफिकेशन,
नेगेटिव साइन शोज दैट इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड, नेचर पता चल गया। अब इसका यू तो हमेशा नेगेटिव होता है, यू ऑलवेज नेगेटिव है ना, तू नहीं जाएगा कहीं ना। बैठ, पूरे स्कूल में ना हर पीरियड में मैंने तुझको बाहर भेजा। हाँ हाँ, यू चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो हमेशा नेगेटिव होगा, एच वन भी हमेशा पॉजिटिव होगा, मिरर हो लेंस हो वट एवर। अब दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं हाइट निकालने के लिए, मैग्निफिकेशन है माइनस टू और एच वन है फाइव, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ऑब्जेक्ट का साइज था फाइव, इमेज का साइज है टेन, डबल साइज की है मैग्निफाइड, ठीक आ रहा है ना सारा कुछ, डायग्राम के अकॉर्डिंग आ रहा है। सो दिस इज अ कंप्लीट न्यूमेरिकल जिसमें हमने दोनों फॉर्मूले यूज की, तो बाकी प्रैक्टिस बाद में करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बैठो भी बैठो, बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है। ये कर लिया नोट, बातें नहीं बहुत ज्यादा बातें कर रहे, तुम्हें क्या लग रहा है मुझे दिखाई नहीं दे रहा। रिफ्लेक्शन कर ली हमने, अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, व्हाट डज इट मीन फर्स्ट ऑफ ऑल। When? ऐसे तो कहीं बैन नहीं हो रही, वो तो रिफ्लेक्शन है। हाँ बता दिया उसने, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जैसे कि अगर आप स्विमिंग पूल के बाहर खड़े हो तो आपको लगता है कि ये तो काफी शैलो है, ये ज्यादा डीप नहीं है, बट व्हेन यू एक्चुअली गो इनसाइड काफी डीप होता है, बाहर से वो इतना डीप नहीं होता, आपको लाइंस भी ऊपर को दिखती हैं। ऐसे ही एक बकेट ऑफ वाटर है उसमें कॉइन डिप कर दिया वो, या ग्लास में, वो कॉइन आपको रेज्ड दिखता है जबकि उसकी डेप्थ ज्यादा होती है, वो रेज्ड दिखता है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी मीडियम चेंज होगा, लाइट एयर से किसी और मीडियम में जाएगी तो बेंड हो जाएगी। लिखो डेफिनेशन, बेंडिंग ऑफ अ लाइट रे, बेंडिंग ऑफ अ लाइट रे व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम, बेंडिंग ऑफ अ लाइट रे व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम, when it travels from one medium to another medium, when it travels from one medium to another medium, when it travels from one medium to another medium, ठीक है। तो अब रिफ्रैक्शन के लिए डायग्राम बनाने से पहले हम एक टर्म डिफाइन करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आ
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। जिस भी मीडियम में जा रही है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, वाटर, वो ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, किसी में भी जा रही है तो बेंड कर जाएगी। जैसे वाटर का मैंने आपको एग्जांपल दिया, रसगुल्ला कैप्टन शुगर सॉल्यूशन अपीयर टू बी रेस्ड, ऐसे होता है ना, आपको बड़े भी लगते हैं, बिगर भी लगते हैं, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सिंबल है न्यू, लाइट की स्पीड का सिंबल है वी, जो आपको वैल्यू पता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, यू नो ना, जीरो लाइट इन द एयर, उसका सिंबल होता है सी। किसी और मीडियम में स्पीड को वी ले लेते हैं, सो दिस इज द फॉर्मूला। हाँ, और यूनिट क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? यहां से स्पीड ओवर स्पीड कैंसिल हो गई तो नो यूनिट। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नॉट हैविंग एनी यूनिट, एंड फॉर्मूला लर्न कर लो इसका, ठीक है? एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिखो यहाँ पे, सी है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, हाँ जी, सी फिक्स है, सी हमेशा इतना ही रहेगा। अच्छा, आप देखो एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर होता है 1, नोट कर लो, 3 एग्जांपल लर्न कर लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर होता है 4/3, 1.3 एयर से ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ये 3 वैल्यूज लर्न कर लो। हाँ, मैं बता रही हूं अभी, ग्लास का उससे भी ज्यादा है 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के एग्जांपल, एयर का 1 है। ये 3 लर्न कर लो, बाकी कोई भी आया न्यूमेरिकल में आपको वैल्यू दी होगी, गिवन होगी। अब ये इसको लिखते क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसे लिखते हैं। सिंबल सिंबल देखो कैसे लिखते हैं हम, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, W मतलब वाटर, विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब लाइट एयर में से वाटर में आ रही है। क्या बढ़ रहा है? हाँ, इनका इसका उससे ज्यादा है, इसका उससे ज्यादा, वो एयर है ना विद रिस्पेक्ट टू एयर, वो तो 1 नहीं है तो इसलिए उसका उतना ही रहा। इसको लिखते कैसे, प्रोनाउंस कैसे करते, लिख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसको ऐसे प्रोनाउंस करेंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ऐसे ही आप लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर 3/2। अभी किसी ने नहीं उठना है यहां से, पहले ये वाली लाइन जाएगी। Thank you.